हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में देखा हमने थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसके बारे में भी हमने पढ़ चुका है, बट ये किस तरह थ्योरम में वर्क करता है वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे दो वर्ड्स आपको ये डेफिनेशन में समझने हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर भी प्राइमरी सेक्शन में आपने पढ़ लिया है, प्राइम नंबर्स भी आपने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ लिया है. कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर हम किसे बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर हम किसे बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर द नंबर हैविंग अ फैक्टर्स मोर देन टू. मोर देन टू कौन से दो फैक्टर्स के अलावा फैक्टर्स होंगे? तो दो फैक्टर्स मतलब नंबर एट सर एंड वन. नंबर एट सर एंड वन के अलावा भी कोई ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे वो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स. एंड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स मतलब जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं वो नंबर एट सर एंड वन, उसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 to 20 के मैंने प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स बोल दिए. ठीक है, आपको 1 to 100 के मिनिमम याद रखने. यहाँ पे डेफिनेशन क्या है थ्योरम की, स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे. एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज, उसको फैक्टराइज फॉर्म में भी बता सकते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल में. एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्राइम्स मतलब यहाँ पे प्राइम्स किसकी बात की है? प्राइम नंबर्स की. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. Why it's called unique? Unique मतलब यहां पर मैं एग्जाम्पल के साथ ये वर्ड को समझाऊंगा. यूनिक 10 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा. ये डिविजन मेथड से, ये मेथड तो आपने की है प्राइमरी सेक्शन में. 2 से स्टार्ट होगा, 0 है इसलिए 2 5 10. प्राइम, प्राइम नंबर तो खुद से डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले 10 के? 2 multi 5. अब 2 multi 5 जो प्राइम फैक्टर्स मिले, मैं आपको 10 के फैक्टर्स निकालने को बोलूंगा तो आप लोग के क्या फैक्टर्स कोई अलग आएंगे? 2 6 12, 2 7 14, 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 हमें मिलेंगे, इसके अलावा कोई अदर फैक्टर्स हमें मिलेंगे नहीं. इसलिए बोला गया है प्राइम फैक्टर्स जो निकलेंगे कॉम्पोजिट नंबर के वो कैसे होंगे? यूनिक. वो कैसे होंगे? यूनिक. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अगर, ऑर्डर को ध्यान में लेना नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा ऑर्डर में लिखो तो अच्छा है, आपके कैलकुलेशन में वो हेल्पफुल होगा. ऑर्डर में मतलब, ऑर्डर में ये क्या लास्ट सेंटेंस क्या बोलना चाहता है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर, मतलब 5 2 10 भी तो आप लिख सकते हो ना. ऑर्डर यहाँ पे मेन हुआ, ऑर्डर का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है. ऑर्डर कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, लास्ट सेंटेंस यही बता रहा है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 240, इसके हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे 2. हाँ, और एक बार यहाँ पे आप जब भी वर्क कर रहे हो प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो तो आपको एक प्राइम, प्राइमरी सेक्शन में आपने जो पढ़ा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको यहाँ पे याद होगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा. 2 3 5 ये सबके डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होंगे तो इसमें बहुत ही आपको वो हेल्पफुल होंगे. तो सारे इवन नंबर्स, इवन प्राइम नंबर एक ही है एंड इट इज 2. इवन प्राइम नंबर एक ही है 2, तो सारे इवन नंबर सबसे पहले 2 से ही डिवाइड होंगे. 2 यहाँ पे आ गया 120, 2 240, अगेन 0 इवन नंबर 60 30, 2 15 5 5, ऑड नंबर, ऑड नंबर की स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिजिट का जितने भी डिजिट है उनका एडिशन, 5 plus 1 6 6, मतलब 6 3 के टेबल में आता है तो 3 से ये डिवाइड होगा. 3 5 15 5, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले? 240 के 2 multiplied by 2 multiplied by
2, 4 times 2 multiply by 1, multiply by 3, multiply by 5. तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको ये नहीं आया, नया है कि आपको अगर एक ही नंबर मल्टीपल्स हो रहा है, एक ही नंबर बार बार मल्टीपल्स हो रहा है तो उसको हम पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे. 2 यहाँ पर कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 2 रेस्ट टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. एक ही नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार तो उसको हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, पावर्स के फॉर्म में, राइट. 420 इसको भी जीरो, इवन नंबर किससे डिवाइड होगा, स्टार्टिंग 2 से, 2 2 4, 210. अगेन 0 इवन नंबर, 2 से डिवाइड होगा, 105. नाउ इट इज 5 ऑड नंबर, ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 5. तो स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 प्लस 0 प्लस 1 6, 3 के टेबल में आ रहा है, यस. 3 3 9, 3 5 अगेन ऑड नंबर, 5 प्लस 3 8, अब ये 8 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम इसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आ रहा है, 5. तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ 0 और 5. यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 के फॉर्म में होगा तो ये 5 से डिवाइड होगा. 5 7 35 एंड 7 इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होगा, तो 420 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे. 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 7. तो इसको भी पावर के फॉर्म में लिखो, तो 2 स्क्वायर मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 7. देखो यहाँ पे 240 के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो आप भी प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपका कुछ अलग आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं, आपके भी प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो यही आंसर आएगा. 420 के भी आप प्राइम फैक्टर्स में डिविजन मेथड से निकालोगे तो आपके भी फैक्टर्स यही आएंगे, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, यूनिक. अगर कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर्स निकाल रहे हो तो किसी के आंसर चेंज नहीं होते, सबका आंसर सेम ही आता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया गया यूनिक, राइट. अब इसमें ही इसका ही थ्योरम 1.2 का यूज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 में करेंगे. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें इसको लिखना है. अब तो इजी हो गया, आपको ऑलरेडी ये समझ में आ गया क्या है, तो यही मेथड यहाँ पे फॉलो करनी है. 140 अगेन 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 270, 235 जा, 5 7 जा एंड 7 1 जा. 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले मुझे, 2 मल्टी 2 मल्टी 5 मल्टी 7. तो 2 स्क्वायर मल्टी 5 मल्टी 7, 2 स्क्वायर मल्टी 5 मल्टी 7 इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 140 के. नाउ एक और मैंने सम्स लिया हुआ है, 3825. यहाँ पे तो स्टार्टिंग वर्ड्स एंड वर्ड से हो रही है, इवन नंबर नहीं है, तो पहले तो डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं. 3 का 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 1 3 2 6, 2 3 7 21, क्या आएगा, 1275. इसको भी डिविजिबिलिटी रूल 3 का चेक कर लेते हैं, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 12, 3 2 6, 3 5. अगेन 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11, 11 अब 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो 3 के बाद कौन आएगा, 5. 5 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 8 40, 2 5 5 25, अगेन 5 5 1 5, 5 7 35 एंड 17 इज प्राइम नंबर, तो खुद से डिवाइड होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले, यहाँ पर लिख रहा हूँ, 3 8 2 5 इक्वल टू 3 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 17. तो इसके प्राइम फैक्टर्स पावर के फॉर्म में लिखू तो 3 स्क्वायर मल्टी 5 स्क्वायर मल्टी 17 हो गया. इसके साथ क्वेश्चन 2 आगे हम देखेंगे.